श्रावण महीने में मंदिरों में कई आयोजन किए जा रहे हैं। वही स्थानीय सतपुड़ा कॉलोनी स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सतपुड़ा कॉलोनी स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में महिला मंडल द्वारा श्रावण मास में कई आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं शनिवार सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अखंड रामायण का पाठ किया गया। वही मंदिर पुजारी राजू तिवारी ने बताया, श्रावण मास में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले भक्तों की सच्चे मन से की हुई सारी आशाएं पूरी होती हैं। इस दौरान सुमन पाटीदार, निर्मला जोशी, संगीता पाटीदार, संगीता लहरिया, लक्ष्मी गौरे, निर्मला सोलंकी, लक्ष्मी डावर, रेखा गुप्ता और कॉलोनी की अन्य महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजू तिवारी। राजू जी, ये नीलकंठेश्वर मंदिर सतपुड़ा में क्या आयोजन किया जा रहा है? श्रावण मास के विशेष पर्व पर उसके उपलक्ष्य में महिला मंडल द्वारा यहाँ की महिलाओं ने अखंड रामायण पाठ का आज सुबह 4 बजे से पाठ बिठाया है, जो अभी रात में 9 बजे तक समाप्त तो हो जाएगा। महिला मंडल द्वारा ये सारा पूरा कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं को। और भी श्रावण मास में अन्य कार्यक्रम हो रहे मंदिर में? श्रावण मास में हर सोमवार भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का श्रृंगार होता है, बच्चों द्वारा बड़ा अच्छा श्रृंगार होता है। जो कोई भी मानुभाव बढ़वाने से अगर दर्शन करना आना चाहे तो बिल्कुल दर्शनों का लाभ ले सकते हैं, और पूजा अर्चना दिन रात चलती रहती है यहाँ। क्या विशेषता है मंदिर की? मंदिर की मान्यता ऐसी है कि मंदिर में यहाँ पर जो भी अपने सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगता है भगवान भोलेनाथ, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके कई उदाहरण हैं जैसे, लेकिन वो काफ़ी बड़े हैं, तो इस कारण मंदिर के सारे लोग जानते हैं। मंदिर की महिमा है, भगवान शंकर किसी को निराश नहीं जाने देते हैं। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।